एक सत्कारयोग्य शख्सियत पूजनीय पिता श्री देवीदयाल दादू बीते दिन बुधवार को प्रभु चरणों में विलीन हो गए। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्री गरुड़ प्राण जी की कथा का भोग शांति हाल रामबाग रोड बरनाला पंजाब में हुआ। श्री देवीदयाल दादू अपने पीछे परवीन दादू, सुरेश दादू, पवन दादू, कपिल दादू और समूह परिवार को छोड़ गए। इनके परिवार की तरफ से आए हुए लोगों का तह दिल से धन्यवाद भी किया गया। क्यों वो मुर्दा
जिसके तन में प्राण नहीं होते, जो यहां पर भी राम का नाम नहीं गा रहा, नहीं बोल रहा, अपने आप को मरा हुआ समझो, अपने आप को मरा हुआ समझो। एक ही नाम सच्चा है, राम नाम, बाकी सारा नाम झूठा है। आओ, क्योंकि ऐसा परिवार बाबू श्री देवी दयाल जी लगभग हमारे भी इस परिवार के साथ तीसरी पीढ़ी है। क्यों प्रवीण जी, हमारी भी कितनी पीढ़ी है? तीसरी पीढ़ी। 20 साल पहले इस पर पूरे परनाले चली, पूरे पंजाब चली, पूरे दूर दूर मशहूर करता, आज सारे कितने पता चलता दादू परिवार, मेरा परिवार दादू परिवार। ऐसे बाबू जी ने सपुत्र जिन्होंने बड़ी सेवा की थी, क्योंकि जो पुत्र का कर्म है वो उन्होंने निभाया। तभी तो इच्छा करते हैं हमारे घर में पुत्र पैदा हो, संतान पैदा हो, जो माता पिता को कुरु नामक नरक से छुड़ाती है। बाबू श्री प्रवीण जी, बाबू श्री सुरेश जी, बाबू श्री पवन जी और कपिल दादू, ये ऐसे की और अपने मन को मोड़ता है। किसी राजा ने जो जल पीने पीछे, हाँ जी बहन जी, तो पानी वाले देवता अनाउंसमेंट करके, मेरे पास है एक बकरा, जो इस बकरे को तृप्त करा देगा, रजा देगा, उसको मैं अपना आधा राज दे दूंगा। क्या कहा? जो इस बकरे को तृप्त कराएगा उसको मैं अपना गोपाल जी आधा राज दे दूंगा। बहुत आए लालच के मारे, राजन तेरा बकरा हमारे को दे, हम तेरे बकरे को तृप्त करेंगे। पर बहुत आए, जैसे ही बकरे को घास खिलाने के लिए लेके जाते और वापस लेके आते, और राजा उस बकरे के आगे टोकरी में घास रखता और बकरा फिर मुंह मारना उसमें शुरू कर देता। राजा कहने लगा, भाई आप तो कह रहे थे कि आपने इस बकरे को तृप्त करा दिया, पर ये तो अब भी खा रहा है। ऐसे बहुत आए और हार गए। एक दिन आया एक सत्संगी, हरि को जानने वाला, हरि को मानने वाला, नाराजन तेरा बकरा मेरे को दे, मैं तेरे बकरे को तृप्त कराऊंगा। अब एक हाथ में बकरे की डोरी ले ली और दूसरे हाथ में ले लिया एक खास एक लकड़ी का टुकड़ा। अब बकरे को जंगल में लेके गया और जैसे ही वो बकरा घास में मुंह मारता और वो सत्संगी उस बकरे के मुंह के ऊपर जोर से एक डंडा मार देता। सुबह से लेके दोपहर हो गई, दोपहर के बाद रात हो गई, अब तो बकरे ने खाने बंद कर दिया। तो भी जब मैं खाने के लिए मुंह मारता हूँ, खाना तो मिलता नहीं, मिलती है मेरे को मार, इससे बेहतर है मैं ना खाऊं, तो खाना बंद कर दिया। अब राजा के पास लेके आया, दे राजन तेरे बकरे को मैंने तृप्त करा दिया। राजा बोला, पहले तेरे में परीक्षा लूंगा। अब परीक्षा के लिए जैसे ही राजा हरा हरा घास टोकरी में लेके आया, अब बकरे ने खाना तो दूर उसको देखा भी नहीं, मुंह दूसरी ओर कर दिया। राजा खुश हुआ, अपना आधा राज उसको दिया। ये राजा है परमात्मा भगवान विष्णु, और वो सत्संगी है हम सब लोग, और बकरा है हमारा मन, बकरा है हमारा मन, हम भी चलाने के लिए लेके आए हैं। जे दो मिल जाते हैं मन कहना चार मिल जाते, चार मिल जाते तो मन कहना अट क्यों नहीं मिले, यही बात है। आओ, इसलिए मन को जीतो, मन जीते जग जीत। I'm gonna make it.
दादू जी जो कि इन्हों तो वे सन और ये सब तो छोटे अपने तीनों भरावान के सन श्री देवी दयाल दादू जी। श्री देवी दयाल दादू जी अपने पिछे एक हासा बसदा परिवार बहुत ही होनहार पुत्र जिन्होंने अपने कारोबार के नाल नाल बरनाला शहर के भी अपना नाम बनाया है। श्री प्रवीण दादू जी, श्री सुरेश दादू जी, श्री पावन दादू जी और श्री कपल दादू जी जो कि अपने व्यापार के नाल शहर के वख वख संस्थावां दे विच भी अपना इस परिवार का नाम अगे वधा रहे ने। उन्हां दीआं दो बेटियां नीना देवी जी जो कि दिल्ली के मैरिड ने, उमा जी जो कि जलंधर के मैरिड ने, दो बेटियां अपने ये परिवार को पिछे छड़ के परमात्मा के चरणों के चले गए ने। श्री देवी दयाल जी जो कि नालौर के उस संस्था के जो सभा बनी है उसका ट्रस्ट बनया उसके प्रधान रहे ने। अज उन्होंने उस ट्रस्ट वालों विशेष तौर पर शोक पत्र लैके उतों की जो मौजूदा सभा के प्रधान ने ट्रस्ट के प्रधान ने भी पहुंचे ने। इस सरकारी सभा परिवार के लिए श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर बरनाला वालों शोक पत्र भेजा गया है। अपाहज लघु सेवा योग्य सोच विराजमान सारे रिश्तेदार यार दोस्त मेरे भैन सारे पता ही है कि आप श्री देवी दयाल जी दादू उन्होंने श्रद्धांजलि देने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। मेरे नाम हर क्योंकि बुलारा ने जो भी बोलना हो यह शख्स वास्ते जिन्ना कि मैं उन्होंने बारे सुनिया कपल दादू जी ने बतौर मैं अपनी एक्टिव रक्षा पिछले अर्धा साल तो वर्त रहे हैं बतौर वाइस प्रेसिडेंट मेरे काम कर रहे हैं। जिन्ना सुनिया जिन्ना देखिया घट समय च इन्ने घट समय च इस परिवार बारे खास तौर पर जो लाला जी साढ़े को जा चुके हैं जिन्हें एड्डी वड्डी परिवार को देन है। हमने हमने स्टेज सैकटरी साहब दस रहे थे मैं रोज इन्होंने कारोबारी दफ्तर च जाना कपल दादू जी मिलते हैं मेरे नाल भी रटीन बहुत तरी जिक्र होया संदीप जी दसते रहते हैं। 85 साल की उम्र मौत वेले 85 साल के उस दिन तक उस लास्ट डेट तक भी उस रात को इन्होंने वो दुकाना से जाके भी विजिट किया जिथे इन्होंने लैटर पैने से उस कारोबारी थान पर भी गए ये देखने वास्ते भी सारा कुछ ठीक ठाक है जिथे रोज बैठते। सो जिन्नी शख्सियतां मेरे सामने बैठी ने इलाका बरनाले के एम एल ए मीतेहर जी भदौर के एम एल ए साहब महल कला तो कांग्रेस के सीनियर आगू मखन शर्मा जी सारे लोगों को मैं जिन्ना देख रहा जो होम लाला जी इस चार भरावान वास्ते दोनों साड़िया भैन वास्ते सारे दादू परिवार वास्ते छड़ के गए ने। मैं उम्मीद करदा भी 85 साल तक यह कहने भी मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा भी उन्होंने जिन्निया परिवार को सेवावान दित्तिया ने। मैं कपल जी को बेनती करदा इस समाज को बेनती करदा भी हर गल उन्होंने जो उन्होंने की है परिवार वास्ते या समाज वास्ते वो तो हर रोज कुछ ना कुछ सीख्या जाए नहीं होया कि अच्कल 50-55 साल से जाके अक्सर असं सारे शामिल है मान लो एक्सैप्शनल केस है बिल्कुल वक्रा केस है जिथे मैं देखा भी 85 साल तक एक नौजवान वगू काम किया पर होया ये उल्ट पिया दोस्तों भी 50-60 साल से जाके असि मेरिया भैन भी बैठिया ने मेरे न सारे बहुत ही सियाने सज्जन बैठे ने हथियार सकते हैं लो जी साढ़े जवाक बड़े हो गए हूँ नहीं मैं कुछ करना जो मेरे तो कुछ होंगे। सो उस उल्ट
ਆਪਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ। ਭਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਾਂ, ਭਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਧ ਬੋਲ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਦਾਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਊਟੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਬੇਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਭਦੌੜ ਤੋਂ, ਰਜੀਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਪਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਲੋਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਜ 86 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਲ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਫੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ MLA ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਚਾਰੇ ਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੱਸਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ MLA ਕੁਲਵੰਤ ਕੰਡੋਰੀ ਜੀ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ MLA ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਚੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਬਾਗ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਸ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਮਬਾਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇ ਦਿਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੰਸਾਰ ਜੋ
Thank you.
समय हरि का नाम चलता रहता था। तभी तो संत में जीवन व्यतीत करते हुए संतों की तरह अपने धाम को गए। जिसके तन में प्राण नहीं होते, जो यहां पर भी राम का नाम नहीं गा रहा, नहीं बोल रहा, अपने आप को मरा हुआ समझो, अपने आप को मरा हुआ समझो। एक ही नाम सच्चा है, राम नाम, बाकी सारा नाम झूठा है। आओ, क्योंकि ऐसा परिवार बाबू श्री देवीदयाल जी लगभग हमारे भी इस परिवार के साथ तीसरी पीढ़ी है। क्यों प्रवीण जी, हमारी भी कितनी पीढ़ी है? तीसरी पीढ़ी। 20 साल पहले इस परिवार की मेरी शुरुआत थी। कुछ मामूली समय समय पर ज्ञान तो भी जैसे थे, ये बच्चे थे वैसे ज्ञान देंगे, क्योंकि ज्ञान पूरे बरनाले च नहीं, पूरे पंजाब च नहीं, पूरे दूर दूर मशहूर करता। तो सारे कितने पता चलता दादू परिवार, मेरा परिवार दादू परिवार। ऐसे बाबू जी ने सपुत्र जिन्होंने बड़ी सेवा की थी, क्योंकि जो पुत्र का कर्म है वो उन्होंने निभाया। कभी तो इच्छा करते हैं हमारे घर में पुत्र पैदा हो, संतान पैदा हो, जो माता पिता को कुरु नामक नरक से छुटाते हैं। बाबू श्री प्रवीण जी, बाबू श्री सुरेश जी, बाबू श्री पवन जी और कपिल दादा, ये ऐसा है जो गरीब की ओर अपने मन को मोड़ता है। किसी राजा ने जो जल की ने पीछे हंसी बहन जी तो पानी वाले देवता हरी को जानने वाला, हरी को मानने वाला, लाराजन
तेरा बदला मेरे को दे, मैं तेरे बकरे को पुत कराऊंगा। अब एक हाथ में बकरे की डोरी ले ली और दूसरे हाथ में ले लिया एक खास एक लकड़ी का टुकड़ा। अब बकरे को जंगल में लेके गया और जैसे ही वो बकरा घास में मुंह मारता और वो सत्संगी उस बकरे के मुंह के ऊपर जोर से एक डंडा मार देता। सुबह से लेके दोपहर हो गई, दोपहर के बाद रात हो गई। अब तो बकरे ने खाने बंद कर दिया, तो भी जब मैं खाने के लिए मुंह मारता हूँ खाना तो मिलता नहीं, मिलती है मेरे को मार, इससे बेहतर है मैं ना खाऊं। अब खाना बंद कर दिया। अब राजा के पास लेके आया, दे राजन तेरे बकरे को मैंने तृप्त करा दिया। राजा बोला पहले तेरे में परीक्षा लूंगा। अब परीक्षा के लिए जैसे ही राजा हरा हरा घास कोसरी में लेके आया, अब बकरे ने खाना तो दूर उसको देखा भी नहीं, मुंह दूसरी ओर कर दिया। राजा खुश हुआ, अपना आधा राज उसको दिया। ये राजा है परमात्मा भगवान विष्णु और वो सत्संगी है हम सब लोग, और बकरा है हमारा मन, बकरा है हमारा मन, हम भी चलाने के लिए लेके आए हैं। जब दो मिल जाते हैं मन कहना चार मिल जाते, चार मिल जाते तो मन कहना अट क्यों नहीं मिले, यही बात है। आओ इसलिए मन को जीतो, मन जीते जग जीत। Yeah.
उस संस्था के जो सभा बनी है उसके बाद ट्रस्ट बनिया उसके प्रधान रहे ने अज उन्हों की उस ट्रस्ट वालों विशेष तौर पर शोक पत्र लैके उतों की जो मौजूदा सभा के प्रधान ने ट्रस्ट के प्रधान ने भी पहुंचे ने इस सरकारी सभा के परिवार के लिए श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर बरनाला वालों शोक पत्र भेजा गया है। अपाहज गऊ सेवा डूंघे सोच विराजमान सारे रिश्तेदार यार दोस्त मेरे भैन सारा पता ही है जब आप श्री देवी जी राज दादू उन्होंने श्रद्धांजलि देने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। मेरे नाम वर था क्योंकि बुलारा ने वो भी बुला हुआ ऐसे शख्स वास्ते जिन्ना कि मैं उन्होंने बारे सुनया कपल दादू जी ना बतौर मैं अपनी एक्टिंग रफ चल पिछले 10 साल तो पढ़ रहे हैं बतौर वाइस प्रेसिडेंट मेरे काम कर रहे हैं जिन्ना सुनया जिन्ना देखिया घट समय च इन्ने घट समय च इस परिवार बारे खास तौर पर जो लाला जी साढ़े को जा चुके ने जिन्हें एड्डी वड्डी परिवार को देन है हमने हमने स्टेज सैकटरी साहब दस रहे थे मैं रोज इन्हों के कारोबारी दफ्तर च जाना कपल दादू जी मिलते हैं मेरे नाल भी रटीच बहुत तरी जिक्र होया संदीप जी दसते रहते हैं 85 साल की उम्र मौत वेले 85 साल के उस दिन तक उस लास्ट डेट तक भी उस रात को इन्होंने वह दुकाना से जाके भी विजिट किया जिथे इन्होंने लैंडर पैने से उस कारोबारी थान से भी गए ये देखने वास्ते भी सारा कुछ ठीक ठाक है जिथे रोज बैठते सो जिन्नी शिक्षिता मेरे सामने बैठिया ने इलाका बरनाले के एम एल ए मीतेहर जी भदौड़ के एम एल ए साहब महल कला तो कांग्रेस के सीनियर आगू मक्खन शर्मा जी सारे लोगों मैं जिन्ना देख रहा जो हूँ लाला जी इस चार भावों वास्ते दोनों साड़िया भैन वास्ते ते सारे दादू परिवार वास्ते छड़ के गए ने मैं उम्मीद करता भी 85 साल तक यह कहने च भी मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा भी उन्होंने जिन्निया परिवार को सेवावान दिखाई ने मैं कपल जी को बेनती करता इस समाज को बेनती करता भी हर गल उन्होंने जो उन्होंने की है परिवार वास्ते या समाज वास्ते वो तो हर रोज कुछ ना कुछ सीखा जाए नहीं होया कि अचक 50-60-55 साल से जाके अक्सर असं सारे शामिल है मान लो एक्सैप्शनल केस है बिल्कुल वक्रा केस है जिथे मैं देखा भी 85 साल तक एक नौजवान वगू काम किया पर होया ये उल्ट पिया दोस्तों भी 50-60 साल से जाके असं मेरिया भैन भी बैठिया ने मेरे न सारे बहुत ही सियाने सज्जन बैठे ने हथियार सट देते हैं लो जी साढ़े जवाक बड़े हो गए हूँ नहीं मैं कुछ करना या हूँ मेरे तो कुछ होंगे सो उसके उल्ट आप लाला जी तो सीखिए जो सा चले गए यही सच्ची समझाती है भावे मैं वो लिए 2 मिनट बोला भावे मेरे नाने वाले बुलाए वो तो बोल जा आप श्रद्धांजलि तो बाद भी उन्होंने परिवार बारे उन्होंने परिवार बैठ के जो बरनाले शहर चला करिए एक गल जरूर उन्होंने को लै लो जिनी उम्र आपको मिलती है जी ये असं समाज का कुछ सुधार करते रहेंगे जब परिवार कारोबारी पक्षों भी जुड़े रहेंगे साड़ी उम्र भी लंबी होती है जो सत्कार अब दादू परिवार को मिल रहा मैं देख रहा जो सत्कार जाने वाले बजुर्गों को श्रद्धांजलि के रूप में मिलता वह सत्कार हरेक बंदे का लैन का हक भी है ड्यूटी भी सो मैं अपने जिन्ना समा मैं मिलया बहुत सियाणिया शिक्षित मेरे को बैठिया ने इन्होंने सारे का नाम इस सैकटरी साहब की जिम्मेवारी है मेरे नाल एंटी करप्शन के सीनियर मैंबर श्री कृष्ण जी संदीप जी भदौड़ तो रजीव जी आए हैं मेरे नाल केवल जी सारी साड़ी संस्था सारी जुट काम कर रहे हैं कपल जी का बहुत ही बड़ा मेरे नाल रोल चल रहा मैं धन्यवादी हाँ तो फिर सारे परिवार नाल मैं आपके कन्नी आपकी संस्था कन्नी एम एस टेस्ट कन्नी दुख साझा करता थैंक यू बड़े दुख की घड़ी है अज आप आप सारे दोस्त मित्र रिश्तेदार भरा
श्री देवी दयाल जी की अंतिम अरदास च उन्होंने श्रद्धांजलि देने लिए इतने एकत्र हुए हैं। जिमें मेरे नाल पहला मित्र जी ने दसिया कि किसी तरह भावें उन्होंने उम्र अज 86 वरिया की सी, अज भी नौजवानों वांगू काम करते सन। मैं थोड़े दिन पहला कपिल जी को बैठा से उन्होंने मिलया, एक दिन पहला भी वो लुधियाना तो आ रहे थे, मेरी उस दिन भी फोन से गल हुई। जो इस तरह कोई हसदा खेडता बिना सानू कुछ दसे विछोड़ा दे जाता, उसका दुख परिवार को की होंगे, उसके सके संबंधियों को की होंगे, उसके दोस्तों को की होंगे, उसनू शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी इस परिवार नाल बड़ी डूंगी सांझ है, भावें मेरी उम्र 28 वरिया की है, पर मेरी इस परिवार नाल जिहड़ी नेड़ता है वह 20 साल तो ज़्यादा है। मैं बचपन से जब उंगली फड़ के बाजार आता सी तां कदे ऐसा दिन नहीं सी हुंदा जब मैं फरेश जी की दुकान से ना आता। ये परिवार के वो हथ ने जिहड़े मैनू टॉफियां खवाउण तों लैके मैनू MLA बनाउण तक अहम योगदान रहा इस परिवार का। केवल मैं ही नहीं इस परिवार का कर्जदार, मैं देवी दयाल जी की मौत तो बाद मैं घर ही बैठन जाता रहा, उत्थे भी जिन्ने भी सज्जन मिलते थे हर कोई कहता थी कि मेरी देवी दयाल जी ने, मेरी इस परिवार ने उदों मदद की थी, मेरी उदों मदद की थी। जिन्नी ये परिवार की साढ़े इलाके नूं देना, साढ़े समाज नूं देना, जिन्ना वड्डा ये दुख लगे इसनूं बयान नहीं किया जा सकता। मैं परमात्मा अगे अरदास करता कि जिहड़ी सेवा देवी दयाल जी ने साडे समाज की साडे बरनाले की कीती है वह बल बख्शे चारे धामां नूं कि इसे तरह वह साडे समाज साडे बरनाले विचरदे रहण, ते हर जरूरतमंद की जो भी इहनां दे दर ते आवे उहदी मदद करते रहन, ते अखीर साडी आम आदमी पार्टी का साडे परिवार का देवी दयाल जी इन्हां दा पूरा परिवार हिस्सा है। मैं पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल जी वालों, साडे जिला प्रधान बैठे ने कुलदीप सिंह जी काला ढिल्लों, महलकलां दे MLA कलवंत कंडोरी जी, भदौड़ तो MLA निर्मल सिंह धौला जी, उन्हां सभना वालों मैं श्रद्धांजलि भेंट करदा ते परमात्मा अगे अरदास करदा कि विछड़ी रूह नूं सब दे चरणां दा निवास बणे। परिवार वालों रामबाग का जो ये शांति हाल है उस दे विच सारी इस प्रणाली की जनता दे लई, क्योंकि अक्सर भोग दे समय जो व्यवस्था शांति हाल दे विच इस कमेटी वालों की गई है वह शायद पूरे पंजाब दे विच तुहानूं देखण नूं नहीं मिल सकती। सो इस दे विच सोलर प्लांट लाउण दा इन्हां दे परिवार वालों अज अपने पिता जी की याद दे विच इह ऐलान किया गया है। अज उन्हां दे इस श्रद्धांजलि समारोह दे विच मैं रामबाग शांति शाल की पूरी समुची टीम वालों कमेटी वालों इन्हों का परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना। श्री नैणा देव संसार स्वामी ओम जय जय।
मनुष्य मजदूरी देत है क्यों राखे भगवान। आप साध कह सुनन की कछ नहीं, शरण पड़े की लाज, शरण पड़े की लाज है। कोई पत राख्यो जगदीश दोनों भुजा पसार के, धनु चरणों सिया हरदास। जय जय राम मेरे प्रभु राम।